नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल लाल बहादुर प्रजापति जीएसएम यू वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आज मैं एक कंप्यूटर की टेक्निक आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सी समस्याएं मेरे सामने ऐसी आई हैं कि इस नए टेक्नोलॉजी में भी आज भी कुछ दुकानदार, कुछ स्टूडियो वाले ऐसे हैं कि जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रिंट करने के लिए आज भी मिस्टर फोटो का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही मिस्टर फोटो यूज़ करने के लिए ऐसी समस्याएं आती हैं कि आज विंडोज 7 चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 चल रहा है, और विंडोज 7 चलने के वजह से बार बार मिस्टर फोटो करप्ट हो जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, और बार बार करप्ट होने से कभी एक्सेप्ट नहीं करता है तो विंडोज चेंज करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये टेक्निक बताने वाला हूँ कि कैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो विदाउट मिस्टर फोटो के व्हाट्सएप 7 पॉइंट में किस तरह प्रिंट किया जाता है। ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही टेक्निक पाने के लिए आप हमारे चैनल जीएसएम म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं टीवी स्क्रीन पे। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं स्क्रीन पे किस तरह। तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप 7 पॉइंट में अगर डायरेक्ट फ़ोटो आप प्रिंट करना चाहते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो 3 या 4 या 6 या 10, तो उस तरह डायरेक्ट नहीं, फोटोशॉप का एक प्लगइन होता है उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको उस प्लगइन की ओर। ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा ड्राइव है और ड्राइव में हम रखे हुए हैं ये देखिए फिल्टर। फिल्टर में आ जाते हैं एक्शन। एक्शन में मेरा दिया हुआ है सेटअप 10। ये सेटअप 10 इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और फिर आ जाते हैं हम कंप्यूटर, इसमें आ जाते हैं सी ड्राइव, और सी ड्राइव में आ जाते हैं प्रोग्राम 86x86 और इसमें आ जाते हैं हम एडोब। ये एडोब हो गया हमारा, एडोब में आ जाएंगे हम सबसे नीचे 7.07 एडोब फोटोशॉप 7.0, और इसमें आ जाते हैं हम परसेट। ये परसेट हो गया और परसेट में आते हैं हमारा दिया हुआ है इधर फोटोशॉप एक्शन। फोटोशॉप एक्शन में इसको Ctrl+V यानी कि पेस्ट कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं कंटिन्यू। ये हमारा इसमें पेस्ट हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं और खोलते हैं फोटोशॉप। ये मेरा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड का लेट है, प्रोसेसिंग पे है, ऑन हो रहा है। चलिए हम एप ड्राइव से अपनी निकालते हैं। ये फ़ोटो हो गया और इस फोटो को हम क्या करेंगे, पहले नंबर क्रॉपिंग। तो क्रॉप के लिए कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे या टूल्स ऑप्शन में ये होगा क्रॉपिंग, इसको क्लिक करेंगे। तो फिर आते हम यहाँ दिया है वाइट और हाइट, तो इसमें हम करेंगे 1.2 1.2। फिर आगे चलते हैं दूसरे वाले कॉलम में 1.6 1.6। फिर आते हैं रिसोल्यूशन में 300 डालते हैं, इंटर कर देते हैं। अब इसको सी क्राफ करते हैं, एरिया अपने हिसाब से चुनेंगे आप कितना चाहिए फ़ोटो का क्राफिंग। ये रहा, अब ये कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ विंडो, विंडो में एक्शन, सॉरी आ गया एक्शन, एक्शन में आते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है लोड एक्शन, इसको करते हैं लोड एक्शन। यहाँ हमारे जो कॉपी किए थे सेटअप 10 वो दिख रहा है, तो यहाँ सेटअप 10 पे क्लिक करते हैं और लोड पे प्रेस करते हैं। आ गया सेटअप 10 यहाँ दिखा रहा है। अब आइए हम लेते हैं यहाँ से बटन मोड, यहाँ हमारा दिखाई दे रहा कि सेटअप 10 लोड हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको 6 कापी प्रिंट करना है, 10 कापी प्रिंट करना है। अब आते हैं हम शिफ्ट कीबोर्ड से, शिफ्ट 10 बटन प्रेस करते हैं और देखिए ये हमारा तैयार हो गया फोटोशॉप पासपोर्ट साइज फ़ोटो हमारा तैयार हो गया स्क्रीन पे, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक चीज़ कमी दिख रही है, हमको बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से चले आएंगे एडिट, एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में आते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में आप आउटलाइन ले लीजिए ब्लैक, यहाँ से अब यहाँ से आप 4 या 5% लेके अब आउटलाइन लगा लेते हैं। तो हम 5% लेते हैं और इंटर मारते हैं और ये देखते हैं कि हमारा आ गया। इसको कंट्रोल, ये जो कर्सर दिखाई इसको हटाते हैं Ctrl+D करके और ये हमारा तैयार हो गया फोटो। अब या तो आपको 3 प्रिंट करना है, 6 प्रिंट करना है, तो आप आइए मैग्नेटिक यहाँ से डिलीट कर दीजिए, 3 फोटो प्रिंट कर सकते हैं, या Ctrl+Z करिए फिर आइए ये 4 हटा दीजिए, ये 6 प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ से आते हैं आप प्रिंट करने के लिए, यहाँ से आएंगे, ये ध्यान रहे 4x6 के सीट पे प्रिंट होगा, ये 4 के साइज का नहीं है, ये 4x6 का है। यहाँ से आएंगे फाइल, फाइल में आएंगे प्रिंट, और यहाँ से आपका जो प्रिंटर है एप्सन L200 380 है, यहाँ सब आएंगे और यहाँ ले लेंगे आप 4x6। ठीक, यहाँ से बाकी कलर है सब कुछ है, यहाँ से आप कर देंगे हाई क्वालिटी
यहाँ से हाई क्वालिटी या यहाँ जो एप्सन मैट है जो भी है आप अपने हिसाब से प्रिंटर का सेटिंग दे सकते हैं, पर ये चार्ज है रहेगा आपका। ठीक, यहाँ स्टैंडर्ड की जगह हाई क्वालिटी रहेगा, कलर रहेगा, प्रिंट करिए एकदम ओके। तो प्रिंट होके, क्योंकि इस कंप्यूटर में मेरे प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए ऑलरेडी प्रिंटर लिख रहा है कि प्रिंटर नॉट रेडी, इसमें जुटा नहीं है, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। इससे आपको मिस्टर फोटो की झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और जिस भाइयों को अगर ये फिल्टर चाहिए या ये प्लगइन्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्ट में मेरा नंबर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको दे देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को GSM Music World को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें।